हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो मैनेजमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बताया है आपको वो समझ आया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया था कि वो बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहे हैं मैक्सिमम कि उनकी लाइव क्लास चल रही है। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि इस तरह का ही आप जो है एनवायरनमेंट फील करें कि जैसे आप अपनी क्लास में बैठें, हेडफोन लगा कर अपना मोबाइल लेके आराम से बैठकर उसको हेडफोन से एकदम जो है वो करेक्ट आपको नॉइज़ भी आएगी और प्लस जो है टैबलेट लैपटॉप या जिस भी मोबाइल पे देखते हैं तो उसको अच्छे से देखिए तो आपको विजुअली और ऑडियो अगर आप सुनते हैं तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ हम लंबे टाइम तक जो है हमको याद रहती है। तो आगे मैं कल जो जहाँ मैंने कम्प्लीट किया था तो उसको आगे अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने वर्बली आपको मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट किसी चीज़ की जो है किसी प्रोडक्ट की जो होती है उसी को ही अपन जो है मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ मैंने अब आगे जो है पढ़े अपन उसके साथ साथ अब आप अपनी नोटबुक भी बना लीजिए जिसके अंदर अब इस लेसन के जो नोट्स है वो मैं लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। तो आप कॉपी में ये सारे जो स्टेटमेंट आज मैं बता रहा हूँ वन बाई वन लिखिए फॉर्मूले और उसके बाद अपन क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तो सारी थ्योरी जो मैं ऑलवेज पढ़ाने का जो पैटर्न है कि भाई पहले आपको सारी थ्योरी लिखवा कर फिर ये अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस के समय बार बार अपन को वापस देखना नहीं पड़े। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो बनता है जिसके अंदर अगर मार्जिनल वर्ड हटा दें तो हमको कॉस्ट स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा है पूरा अच्छे से फर्स्ट ईयर में भी कि कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, टोटल कॉस्ट आती है। लेकिन वहाँ ये रहता है कि जो भी ओवरहेड्स आपके होते हैं तो उसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों तरह के ओवरहेड्स को अपन शामिल करते हैं क्योंकि फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है, इसके अंदर जो अपन ओवरहेड्स के जो कंटेंट लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, जो खर्चे उसमें लिखते हैं उसमें कुछ भाग फिक्स भी होता है, कुछ वेरिएबल भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेरिएबल वाला पोर्शन ही यूज़ में करना है ना कि फिक्स भी। तो अब जैसे अपन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि डायरेक्ट और वेरिएबल और मार्जिनल तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि ये एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ बदलते हैं और अगर आप प्रोडक्शन को चेंज नहीं करोगे तो ये एक्सपेंसेस आपके चेंज नहीं होंगे। तो इसके अंदर एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद जो टोटल आती है वो आपकी प्राइम कॉस्ट आती है और क्योंकि ये पूरी तरह से वेरिएबल ही है तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट आएगी ये भी पूरी तरह से वेरिएबल ही रहेगी। इसमें कोई नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइम कॉस्ट में कोई ऐसा एक्सपेंसेस बाई चांस भी आ जाए जिसका नेचर फिक्स हो। फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट में अपन फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, उसकी जगह अपन को यहाँ पर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ना है तो जिससे हमको फैक्ट्री कॉस्ट जो मिलेगी वो कौन सी वाली मिलेगी, वेरिएबल वाली। फिर हम जोड़ते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, लेकिन यहाँ पर भी अपन को ये कौन से वाले जोड़ने हैं, सिर्फ वेरिएबल वाले, जिससे अपन को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी वो भी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। एंड द लास्ट स्टेटमेंट का जो पार्ट होता है हमारी कॉस्टिंग के अंदर जिसके अपन अंदर ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कौन सा वाला ऐड करना है, वेरिएबल वाला। तो जब वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी और उसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट है। तो कल जो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन वो लिख कर और उसके बाद में ये मार्जिनल कॉस्ट का जो है स्टेटमेंट आप लिखेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप कॉपी में लगाएंगे आगे, इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट अपन को बनाना है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट वैसे जनरली आप लोगों ने जो पढ़ा है अब तक टिल नाउ 12th में और अभी लास्ट ईयर भी, तो बेसिकली नॉर्मली बिजनेस के अंदर कंपनी के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो इस तरह से रहता है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं तो जीपी आता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इस तरीके से वो स्टेटमेंट आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है और वो का वो आपके सेकेंड ईयर में भी कंपनी जो है फाइनल अकाउंट्स के अंदर होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट अपन यहाँ बना रहे हैं तो ये उस तरह का स्टेटमेंट नहीं है, इसका खुद का पर्टिकुलर अपना अलग नाम है कि ये अपन बना रहे हैं मार्जिनल के अंदर, तो इसलिए इसको मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा तो यही छोटा सा स्टेटमेंट है जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, लेकिन ये इतना छोटा स्टेटमेंट और इसके चार एलिमेंट्स ही है, चार पॉइंट ही इसमें लिखे जाते हैं, उसके बावजूद भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग जो लगभग पूरा एक यूनिट आपका कवर करती है तो वो एक ही इस स्टेटमेंट के आने वाले कंटेंट्स को ही घुमा फिरा के फॉर्मूलों में और स्टेटमेंट में करके आपको दिया जाता है।
मार्जिनल कॉस्टिंग जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 15 नंबर में आता है और अधिकतर दो चार क्वेश्चन ही काफ़ी बार इसमें रिपीट भी होते हैं, बार बार वही वही क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं जो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है, इसी हिसाब से मैंने ये पहले आपके स्टार्ट किया है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर इसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्जिनल कॉस्ट के इनकम स्टेटमेंट को, वो क्लासीफाई किया है केवल एक उत्पाद की दशा में, यानी कि अगर वन प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन आप करते हो, और इसका सेकंड पार्ट होता है कि जब आप एक से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करते हो। तो फिलहाल मैं आपको पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, एक ही प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो इसका स्टेटमेंट इस तरीके से रहता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड होता है कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो पीछे जो वैल्यू बचती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसको हिंदी में कहते हैं अंशदान। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को जब घटाते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर जो दो चीज़ें आपने घटाई है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो यूजुअली अगर हम केवल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इन दोनों की जो टोटल होती है वो आपकी क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट। और अगर अपन सेल्स में से सीधा टोटल कॉस्ट को घटा देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कि कर तो हम अभी भी वही रहे हैं कि सेल्स में से क्या क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट। लेकिन इसको लिखने का, इसको बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से आपके रहता है। तो ये तो हो गया कि जब आपके बिजनेस के अंदर एक ही तरह का प्रोडक्ट हो तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और मैं दूसरा इसको जो है आप लिखें, और उसके बाद जो है मैं दूसरा इसके अंदर आगे आपके लिखता हूँ नेक्स्ट वाला, कि जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो जब एक से अधिक होने पर तो इसके अंदर मोर देन वन प्रोडक्ट, तो एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट आपके अगर होते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट, तो इसमें स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो बेसिकली होगा ये कि जितने अगर आपके प्रोडक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको अपने स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बाकी इतना कोई विशेष इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे अपन एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अगर तीन प्रोडक्ट हो तो हमको इसमें जैसे एक्स वाई जेड ये तीन प्रोडक्ट हो गए और एक हमारा अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट वो का वो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज़ पर्टिकुलर में वही सारे आइटम्स आपको लिखने हैं। सबसे पहले सेल्स लिखनी है सारे प्रोडक्ट की और उसकी टोटल अमाउंट के अंदर लिखनी है, ये टोटल का कॉलम है टोटल अमाउंट, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट सबकी लिखनी है और टोटल जो है टोटल में लिख देंगे, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी सबका आएगा जिसको आपको वापस टोटल के कॉलम में लिखना है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखिए कि एक चीज़ की परमिशन नहीं देती है, जिसका मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी बताया कि मैनेजमेंट कॉस्टिंग ये कहती है कि आप फिक्स कॉस्ट को जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपनी इच्छा से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि रेंट है तो एरिया बेसिस पे बांट दीजिए, लाइट है तो लाइट के पॉइंट्स पे बांट दीजिए, नहीं तो एरिया में बांट दीजिए, अगर पावर का खर्चा है तो मशीन किलोवाट आवर्स के आधार पर बांट दीजिए, तो कुछ एक्सपेंसेस तो फिर भी चलिए कि मान लेते हैं कि बांटना फिर भी सूटेबल है, जैसे पावर है तो मशीन चलेगी जिस डिपार्टमेंट की उस हिसाब से, लेकिन रेंट जो है अगर पूरी फैक्ट्री है उसमें अगर दो तीन अलग अलग पार्ट है तो अगर आप एक यूनिट अगर बंद भी कर देते हैं तो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस का पूरा किराया लगेगा, आपका ऑफिस स्टाफ है जिसकी सैलरी फिक्स है वो अकाउंटिंग करता है तो भले दो प्रोडक्ट की करे चार की करे उनकी सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो तो लगेगा ही। तो इसीलिए फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट फिक्स एक्सपेंसेस को भी अपन अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल नहीं देता। और इसी कारण से कल वो जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको लॉस दिख रहा था उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने पर, लेकिन जब हमने
उस प्रोडक्ट को बनाना बंद किया तो उसको लॉस जो था जितना भी वो उल्टा और इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसकी जो फिक्स कॉस्ट आपने आर्टिफिशियली उसके ऊपर चार्ज कर रखी थी तो वो उस वजह से जो है वैसे नहीं होता है प्रैक्टिकली, तो उसके कारण वो फिक्स कॉस्ट भी बाकी प्रोडक्ट को चार्ज करनी पड़ती है और इस कारण से फिर आपको जो फ़ायदा हो रहा था या भले नुकसान भी हो रहा था लेकिन वो नुकसान और भी बढ़ सकता है उस प्रोडक्ट को बंद करने से। तो आपका ये जो स्टेटमेंट होगा ये यहाँ पे इन कॉलम्स में तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो ये केवल आपको टोटल के कॉलम के अंदर फिक्स कॉस्ट को लिखना है और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी कौन से कॉलम में आएगा, टोटल। तो दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हमारे होते हैं तो हमारे स्टेटमेंट के अंदर जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो खाली यही हुए हैं कि हमको सेल्स सबकी अलग अलग लिखनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी सबकी अलग अलग लिखनी है, लेकिन फिक्स कॉस्ट केवल जो है वो टोटल के कॉलम में निकालनी है, क्योंकि आर्टिफिशियली हम किसी भी बेसिस पे फिक्स कॉस्ट को ना बांटें ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मानता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमारे लास्ट कॉलम में आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर बनेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, फंडामेंटली इसके अंदर स्टेटमेंट तो आपका ये का ये काम आएगा। तो एक बार ये स्टेटमेंट आप जो है देख लीजिए अच्छे से, जिससे आप इसको आसानी से लिख लें, और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर इस स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ आगे किस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब देखिए मैंने इसको इस स्टेटमेंट को कुछ अमाउंट जो है वैल्यूज पुट करके आपको बताया है, जिससे कि मैं इन चीज़ों को और अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो मैंने माना है, एज्यूम किया एक भी सेल्स आपकी मान लीजिए कि 10,000 है किसी प्रोडक्ट की, उसकी वेरिएबल कॉस्ट VC शॉर्ट में वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6,000 है, तो माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना बचेगा, 4,000। और कंट्रीब्यूशन में से अगर अपन FC फिक्स कॉस्ट 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा, 1,000। अब देखिए कि अगर हम मैं इसको डिटेलिंग करूं और इसको फार्मूलों के अंदर बनाऊं तो ये ऐसे लिखा जाए, मान लीजिए कि सेल्स है उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, और क्या माइनस कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वो डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। कि सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है वो वर्ड तो कंट्रीब्यूशन है वो कोई मतलब नहीं, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया है तो पीछे जो वैल्यू बची वो आपकी क्या है, प्रॉफिट। अब अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट बराबर के इस तरफ रहे और ये फिक्स कॉस्ट बराबर के उस तरफ चली जाए तो उधर हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि क्योंकि ये इक्वेशन है और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ रहा है, तो अगर फिक्स कॉस्ट बराबर की उस तरफ चली गई तो ये माइनस का साइन उधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो इसका मतलब कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर और फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने पर उन दोनों की जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू आपकी क्या रहती है, इक्वल। तो मैं इसको टैली करते हैं, देखते हैं कि ये सही है भी नहीं। तो 10,000 रुपये अगर आपकी सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 6,000, तो 6,000 माइनस करने पर आपका कंट्रीब्यूशन जो बचता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है, कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना बच रहा है, 4,000। लेकिन साथ ही साथ अगर आप फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो इसकी जो टोटल आ रही है वो भी आपकी कितनी आ रही है, 4,000। तो दैट मीन्स कि ये भी किसके बराबर हुआ, इसी के बराबर, कंट्रीब्यूशन के बराबर। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूशन कहलाता है, और अगर अपन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड करें तो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या कहलाएगी, कंट्रीब्यूशन। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएं तो उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो कंट्रीब्यूशन होती है। और या दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर जोड़ें तो उसकी टोटल भी जो होती है वो हमारी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो पीछे क्या बचता है, प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट घटाओगे तो पीछे जो वैल्यू बचती है वो आपकी क्या बच जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो ये इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के अलग अलग हिस्से होते हैं जिसकी बेसिस पर आपकी ये इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन आपकी यूनिवर्सल है, काम की है। इसमें आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट करो, चाहे फिक्स कॉस्ट करो, चाहे सेल्स को खुद को करो, आप आसानी से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके इसमें बहुत ही यूज़फुल है, और इसके बाद
अभी जो है ये थोड़ा वीडियो मैं 15 मिनट्स के आसपास बनाता हूँ, जैसे कि उसको थोड़ा अपलोड करने में फैसिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।